किया था, क्योंकि हमारा KPK में फ़खर और रिजवान भाई ओपन कर रहे थे, तो मैंने वन डाउन में भी ट्राई किया था और वहाँ भी मैंने रन्स किया था। तो जिस तरह मैं 3 साल से अपने नंबर पे रन्स करो ओपन वन डाउन पे, तो मुझे जिस तरह भी जहाँ पे मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह ओपनर या वन डाउन में इंशाल्लाह परफॉर्म करूँगा उस पर। फरहान भाई, आपने परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी की, पाकिस्तान की कंडीशन पे न्यूजीलैंड जा रहे हैं, तो ज़ेहन में है कि सीमिंग कंडीशन होगी, कोई मुश्किल हो सकती है, प्रिपेयर हैं? देखिए डिफ़िकल्ट, थोड़ा मुश्किल सीरीज़ है, लेकिन हमने लाजमी बात है उसके लिए हम अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं आज, और जिस तरह हमारे आज कैंप लगा हुआ है तो माशाल्लाह काफ़ी उसमें हमने अपनी बैटिंग पे, स्किल्स पे वर्क किया, फील्डिंग पे स्पेशली वर्क कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 5-6 दिन का कैंप इसमें हम अपना पूरा प्रैक्टिस करेंगे न्यूजीलैंड के लिए। अच्छा फरहान भाई, जी टीम में आने के बाद स्ट्रगल कर रहे थे, आप नहीं समझते कि बड़े देर बाद आपका नंबर लगा? देखिए स्ट्रगल तो नहीं कर रहा था, डोमेस्टिक में 3-4 साल से लगातार परफॉर्मेंस करना ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है, क्योंकि एक बंदा एक साल परफॉर्मेंस करे दूसरे साल उससे उस तरह नहीं होता, तो मैंने हमेशा शुक्र अदा किया उस पर और मैंने हमेशा उस पर सबर किया, इंशाल्लाह सबर का फल मिल गया मुझे। तकरीबन 4 से 5 साल के बाद आप टीम में आए हैं और मुसलसल परफॉर्मेंस भी दे रहे थे, कभी ऐसा भी हुआ है कि आप मायूस हो गए हों कि परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी आप टीम में शामिल नहीं हो पा रहे थे, तो कभी मायूस हुए हैं और ख़ुद को मोटिवेट कैसे किया इसके? देखिए एज अ प्रोफेशनल ये हमारा जॉब है, तो इसमें मायूस बिल्कुल लाजमी होता है, लेकिन आपके आपका ये काम है, आपने ये इसको और भी बेहतर करना होता है, तो मैंने हमेशा अपनी स्किल वर्क्स को, अपनी फील्डिंग पे मैंने फोकस किया, अपनी ट्रेनिंग पे फोकस किया, मैंने कोशिश की कि उसको और से और बेहतर करूँ। अच्छा फरहान, बताइएगा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की टीम की बैटिंग जो है वो आपके सामने है, न्यूजीलैंड की पिचेस भी कोई इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तो क्या देख रहे हैं रिज़ल्ट थोड़ा सा टेस्ट से डिफरेंट होगा या किस तरह देख रहे हैं, बेहतर किस तरह किया जा सकेगा? देखिए जिस तरह हमारे बैटर्स हैं, रिजवान भाई है, बाबर, सारे आपको पता है कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, वहाँ उन लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, ये नहीं कि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा भी हम अच्छे ही करेंगे। फरहान, आप सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, आप कायदा ट्रॉफी में भी टॉप स्कोरर हैं, इस दफ़ा आप T20 स्क्वाड में हैं, तो आगे टेस्ट में और ODI में कैसा देख रहे हैं? दूसरा ये कि कैंप में आज यासिर ज़ारा पार्ट ने आपको ज्वाइन किया, तो एज ए कोच, एज ए कैंप कमांडर, उनको कैसा देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं? देखिए यासिर भाई का मैं नाम ज़रूर लूँगा, क्योंकि हर एक बंदे के पीछे खुद ही जाते हैं कि आपने इधर आना है, वो भी करना है, तो ये अच्छी बात है, और स्पेशली उसने मुझे कॉल करके भी बताया कि आपको किस तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप मुझे लाजमी बताएं, तो यासिर भाई के साथ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा था, और दूसरा आपने 4 डे की बात की, तो लाजमी बात है मुझे जहाँ भी मिला एज़ अ प्लेयर मैं वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करूँगा। जी अली, अच्छा ये बताइए कि आपके आइडियल कौन है, आप भी विकेट कीपर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, कौन सा ऐसा फेवरेट विकेट कीपर है जिसको आप फॉलो करते हैं, समझते हैं कि ये मेरा फेवरेट है? देखिए एज़ अ प्लेयर जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया तो मैं MS शहजाद को देख रहा था और उसको काफ़ी हद तक फॉलो किया था, बाद में मैं बाबर भाई को भी देखता, तो ये दोनों मेरे फेवरेट हैं, बाबर भाई आजकल उसको मैं ज़्यादा देखता हूँ। लास्ट क्वेश्चन जी, अच्छा फरहान, आप 5 साल बाद टीम में आ रहे हैं, T20 स्क्वाड का हिस्सा बने हैं, दौरान न्यूजीलैंड पर कोई स्पेसिफिक आपने कोई टारगेट सेट किया हो कि मौका मिला तो ये टारगेट जो है वो सेट करना है? देखा जिस तरह मैंने रिसेंटली नेशनल T20 खेला और अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ मैंने फिनिश किया, तकरीबन 175 के करीब मैंने अपना स्ट्राइक रेट पर फिनिश किया था, एज ए ओपनर मैं ये कोशिश करूँ कि जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह एज ए ओपनर सर्कल को मैं अपनी टीम के लिए यूटिलाइज़ करूँ और जिस तरह मेरी अपनी नेचुरल गेम है उसको मैं वहाँ भी खेलूँ। अच्छा फरहान, ये बताइए कि 2018 में आपको एक बार मौका मिला था, उसके बाद आपको मौका नहीं मिला, और इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस देने के बावजूद इस सीरीज़ में भी हम देख रहे हैं कि आपके साथ कंपटीशन में बाकी प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, तो अगर इस सीरीज़ में भी अल्लाह ना करे अगर आपको मौका नहीं मिलता तो फिर आप की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि आपने कहा था कि इंसान जारी सी बात है डिसार्ड तो बड़ा होता है। देखिए इस चीज़ को पॉजिटिव लेने चाहिए, जहाँ कंपटीशन हो तो वहाँ भी मज़ा ही होता है, क्योंकि आप जो कंपटीशन में अपनी जगह को बरकरार रखते हो तो वही प्लेयर होता है, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जहाँ जिस दिन जिस मैच में मौका मिला उसको इंशाल्लाह अच्छा करूँगा। अच्छा शाहीन शाह की पहली असाइनमेंट है एज ए नेशनल कैप्टन, क्या देख रहे हैं, किस तरह का आप पुरजोश हैं और कितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए एज ए कैप्टन उसके पीछे काफ़ी हार्डवर्क है, जिस तरह 2 सीज़न उसने लाहौर कलंदर को चैंपियन बनाया तो वैसे वो कप्तान नहीं बना, लाजिम बात है उसके पीछे काफ़ी हार्डवर्क है और उसने कुछ करके दिखाया तो उस वजह से वो कप्तान बना हुए। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू नज़ीर, थैंक यू।